नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में अधिकार संरक्षण ट्रस्ट के जरिए फूलों की होली मनाई गई, जिसमें फरीदाबाद के बीएसपी प्रभारी मंदिर सिंह मान ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर सिंह मान का फूलमालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मंदिर सिंह मान ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी तो हमेशा से ही झूठ बोलती आई है, तो आप लोग बीजेपी पार्टी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये हमेशा से झूठे वायदे करती आई है। संस्था का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये संस्था जो पहले से ही लोगों के हित के लिए लड़ती हुई आई है, उनके लिए कार्य करती हुई आई है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो आप किसी भी आम आदमी की आवाज़ को, दबी हुई आवाज़ को उठाने का काम हो, हर काम में सक्रिय रही है ये संस्था। तो मैं इस संस्था का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, जिन्होंने यहाँ इनके प्रोग्राम में आके जो सफल बनाने का जो काम किया है आप सभी ने, मैं आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो संस्था ये काम कर रही है, मैं आशा करता हूँ भगवान से कि हमेशा इससे भी बढ़ चढ़ कर काम करती रहे और इस संस्था का यश और गौरव देश के कोने कोने में फैले, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, जब ही भगवान हमारे बारे में भी सोचता है। तो जो आज संस्था काम कर रही है, वो जीवन को कमाने का काम कर रही है और दूसरे को जीवन कैसे कमाया जाता है वह भी सिखाने का काम कर रही है। तो जीवन तभी कमता है जब हम किसी के दुख सुख में काम आते हैं, किसी की पीड़ा को मिटाने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की जरूरत को पूरी करने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपनी ड्यूटी को निभा के इस जहां से जा सकते हैं। भाइयों, मैं यही कहूंगा, कुछ दिन के लिए इंसान भेजा गया है इस जहां में ड्यूटी देकर, ये इंसान के ऊपर है कि वो अपनी ड्यूटी कैसे निभा के जाता है। बहुत से धन कमाने में ही लगे रहते हैं, जिनको एहसास नहीं होता तू किस कार्य के लिए भेजा गया है, तेरा क्या कर्तव्य है। क्योंकि धन कमाना ही सब कुछ कमाना नहीं होता सरदारों, जीवन कमाना सब कुछ कमाना होता है। और जीवन तभी कमता है जो हम किसी के काम आ पाते हैं, धर्म का प्रचार कर पाते हैं, देश की सेवा कर पाते हैं, या देश की आने वाली नई पीढ़ी है उनके अंदर अच्छे संस्कार देने का काम करते हैं, तभी हम इस देश के सच्चे पुरुष और इंसान हैं। तो सभी से मैं यही कहूंगा कि जो आज प्रेरणा यहां से आप लोग लेके जा रहे हैं, जो ये संस्था दूसरों के लिए लड़ाई लड़ती हुई आ रही है और जो अच्छी प्रेरणा संस्था दे रही है, उस प्रेरणा को ग्रहण जरूर करें और हमेशा अपने भारत में वही ज्ञान बांटे, बच्चों को वही सिखाएं जिनकी उन्हें जरूरत है। तो बच्चों को सबसे पहली जरूरत अच्छे संस्कारों की है, जिससे वो अपनी ड्यूटी ढंग से निभा के जा पाए। तो हमको अपने बच्चों में हर वो संस्कार डालने हैं जो हमें गीता रामायण द्वारा, वेद पुराण द्वारा मिले हों, क्योंकि हमें हर तरह क्या अच्छे कर्म है और क्या बुरे कर्म है ये हमारे हाथ में है कि हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं उनसे और कैसे किस तरीके से अपना जीवन बिता के जाते हैं, क्योंकि हमें आना फिर यही है। बस जो हमारे जन्म के कर्म होंगे, उन कर्मों के हिसाब से हमारी वापसी होगी। ये हमारे ऊपर तय है कि जब हम आए हमारे खाने के लिए भुर्की डरी भी ना हो, और जब हम आए जब चांदी की चम्मच में घुट्टी पीते हुए हो। ये हमारा जीवन तय करेगा कि हमारा अगला आगमन कैसा हो। तो अपने अगले आगमन को बनाने के लिए और ऊपर वाले को जवाब देने के लिए आपके पास अच्छे कर्मों की झोली भरी होनी चाहिए, और जो झोली को भर के ले जाता है वही सच्चा भारत माँ का बेटा कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल मेरे साथ खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।